आ जाओ आ जाओ। कैसा रहा एग्जाम बाबू? ठीक रहा। सोशियोलॉजी का था, समाजशास्त्र का। हाँ है ना। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, आइडिया कुछ है? एक आग दो ऐसा पेपर में है। अच्छा चलो, समाज क्या है? अच्छा ये बता दो समाज किसे कहते हैं? समाज यही सब समाज है। यही पेपर कैसा रहा? रुक जाओ थोड़ा सा, क्या हो गया? माय फादर इज वेटिंग देयर। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था। हाँ बहुत अच्छा। देखो बहुत अच्छा है ना, पेरेंट्स आपके आए हुए हैं, इन्होंने रोका, वरना एक भी बच्चे यहाँ पे रुकने के लिए तैयार भी नहीं है। अब पता नहीं क्या बच्चे लिख रहे हैं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार पेपर में देख सकता हूँ क्या? यस देख लीजिए। मैं कुछ ज्यादा पूछूंगा नहीं। पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ, और सोशियोलॉजी का पेपर था? यस सर। हाँ, और कितने कर दिए वैसे? पूरा किए। पूरा किए, कितने क्वेश्चन थे? पूरे मेरी शॉर्ट में 5 थे। हाँ। और शॉर्ट में 5 और लॉन्ग में 4 थे, 2 करना। आपने कितने कर दिए? सारे कर दिए सर। एक दो मार्क्स का छूट गया एक, लेकिन सारा पेपर पेज तो सारा भर गया, लेकिन थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया था। अच्छा, अगर 10-15 मिनट और रहता तो हो जाता। अच्छा, टाइम कम पड़ गया। यस सर, टाइम कम। कितने पेज भर दिए वैसे? पेज तो मैक्स मैम 25 के लगभग। 25 भर दिया? यस सर। लास्ट का एक पेज केवल बच गया था, बाकी सारा भर दिए हैं। कॉपी एक कॉपी ना? हाँ सर, एक कॉपी कॉपी मिलता ही है। अच्छा, बी कॉपी नहीं मिलता? बी कॉपी मिलता नहीं, नहीं। अरे हमारे समय तो सी कॉपी तक भरते थे। क्या लिख रहे हैं पता नहीं, लेकिन लिखना है भाई, है ना? मिलता ही नहीं यहाँ पे, अब तो मांगे भी थे। अच्छा चलो कोई नहीं, आपने बहुत अच्छा किया है ना। और इसमें लिखना ही होता है। यस सर। और सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम अपने जैसा हमारा सोच है, अपने थॉट के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। यस सर, है ना? अपने माइंड के साथ। समाज किसे कहते हैं? समाजशास्त्र में एक नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन होता है कि कोई भी पूछ लेता है समाज क्या है, तो हम क्या ही रिप्लाई करेंगे? सामाजिक सामाजिक संबंधों का जाल है, और जो कि हम जो समाज में देखते हैं उसको हम लिख सकते हैं। दो या दो से अधिक जो जहाँ पर व्यक्ति हो उसी को समाज है ना? क्रियाएं संबंध होते हैं वहीं। क्या वो जहाँ दो से अधिक लोग हो जाते हैं वो समूह हो जाता है वो? अच्छा, समूह हो जाता है। हाँ सर, वो समूह हो जाएगा। समूह मतलब ग्रुप वगैरह? ग्रुप वगैरह। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत स्मार्ट, बहुत अच्छे हो। कहाँ सेम आपका यही स्कूल है? नहीं सर, स्वामी हर्षवर्धन महाविद्यालय। महिला सक्रियता से आप क्या समझते हैं? एक क्वेश्चन पूछा गया है। अरे दीदी दीदी रुको रुको, देखो लेकर गई। एक अब जाओ जाओ जाओ। अरे आ जाओ बहन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे आ जाओ, रुको, आप भी रुको। नहीं है। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा। गजब की है ना आपके फ्रेंड। क्या हो गया? ये कह रहे हैं महिला सक्रियता से आप क्या समझती हैं? बहुत कुछ समझते हैं। क्या समझती हैं? क्या बताएं क्या समझते हैं? बहुत कुछ समझते हैं। क्या नाम है आप? अनुपमा। पूरा पेपर कर दिया अनुपमा? हाँ। चलो अरे आ जाओ, कैसे हो? पेपर कैसा गया? बहुत अच्छा गया पेपर। अरे रुको दीदी, देखो ये बीए के बच्चे यार गजब के बच्चे, मतलब रुक ही नहीं रहे, भाग रहे बस। आ जाओ देखो, छोटी छोटी बच्ची आ गई हमारे साथ, अभी जुड़ चुकी हैं। कैसा रहा पेपर बाबू? अच्छा गया पेपर। अच्छा, काहे शर्मा रही हो? रुको, अरे रुको। का पेपर अच्छा रहा? हाँ जी हाँ, मेरा पेपर अच्छा रहा। सात समंदर पार से हम लोग आए हुए, बताओ आप लोग हमारा इंसल्ट करके जा रहे हो? जी नहीं, इंसल्ट अच्छा, नहीं। एक सवाल है मेरा, महिला सक्रियता से आप क्या समझती हैं? आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है? जी नहीं, नहीं पूछा गया। नहीं। अरे ये रहा देखो क्वेश्चन, महिला सक्रियता से आप क्या समझती हैं? सर और भी से इंक्वायरी कर लीजिए। भाई सब डांट के चले जा रहे बच्चे। कैसा रहा पेपर बाबू? अच्छा था पेपर, बढ़िया। अच्छा सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? शिक्षा शास्त्र। समाजशास्त्र? समाजशास्त्र भी अच्छा है। हाँ हाँ, ये देखो बहन चली गई यार, कितना मतलब हद है, सब धोखेबाज निकल गए। क्या नाम है आपका? आरती यादव। आप देखो आरती यादव बहुत अच्छे हो। कहाँ से? ये आपका सेम मतलब सेल्फ सेंटर है? यस। सेम कॉलेज है? ये सब फ्रेंड है आपके? नहीं ये सब नहीं है। ये देखो ये पहले से बोल रही थी हम भाग जाएंगे आएंगे, तो इधर आओ फिर, इधर आओ। माँ कसम कुछ नहीं पूछूंगा एक्स्ट्रा, मैं पेपर के बाहर कुछ नहीं जाऊंगा। आ जाओ। अरे काहे डर रही है? हाँ रे बाबू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पेपर आपका कैसा गया? अच्छा था। अच्छा था। हाँ। अच्छा सोशियोलॉजी पढ़ते हो ना? जी। तो सोशियोलॉजी मजा आता है? हाँ मजा आता है, तभी तो पढ़ते हैं। इतना अच्छा मेकअप किया बताओ पीछे, ठीक है मजा चली गई। दीदी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ। सभी लोग चले गए, मेरी एक बात कोई नहीं सुन रहा है। इतना इंसल्ट कोई करता है क्या? आपके कॉलेज पे स्कूल पे आया हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ? आ जाओ प्लीज़, पूछूंगा नहीं मैं। आओ ना। देखो यूनिफॉर्म वाले जो बच्चे हैं वो रेगुलर वाले होते हैं मेरे ख्याल से, है ना? नहीं हम लोग घर पे बैठने के? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रेगुलर नहीं आते। कौन कौन सा सब्जेक्ट लिए हो वैसे बीए में? इंग्लिश, सोशियोलॉजी, होम साइंस। होम साइंस,
और थोड़ा सा करीब करीब आ जाओ, मैं नहा गया हूँ, परफ्यूम भी लगाया हूँ, फिर इतने दूर क्यों, आ जाओ थोड़ा करीब आ जाओ। अच्छा आप भी नहा के आए हो, कितने दिन पे नहाए हो? अच्छा ये बता दो आज। हम एक दिन भी नहा नहीं रहते हैं। अच्छा, एक दिन नहाते हैं। मुझे लगा आप बोलने वाले हो मैं एक भी दिन नहीं नहाती, आज नहा ली। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग रेगुलर नहाते हैं। सोशियोलॉजी में देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरे ख्याल से आपने सारे किए होंगे, है ना? लेकिन एक बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है कोई भी, पूछ लेता है आम कोई भी व्यक्ति कि समाज क्या है, कोई भी पूछ लेता है, तो हम क्या रिप्लाई करेंगे? आप में से कोई भी बताओ। समाज संबंधों का जाल होता है। कौन से संबंधों का? सामाजिक संबंधों का। यस सर। और आप सर वही क्वेश्चन, आप तो घूर के देखी जा रहे हो, कितना पटर पटर बोल रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ना? देखो कैमरे में बहुत अच्छा कैमरा है, उसमें बिल्लो चमकदार आओगे आप लोग, है ना? मीरा आ जाओ, मीरा कहाँ है? यहाँ पे और भी क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन किए आप, अच्छा बता दो कौन सा क्वेश्चन किए। इसमें से एक विकास से संबंधित। हाँ। और सामाजिक परिवर्तन लाने में सामाजिक आंदोलनों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये कैसे लिखा था, मतलब एक लाइन हेडिंग वगैरह कुछ याद है? सर समाज परिवर्तन लाने में कई लोगों ने कई तरह के आंदोलन दिए थे। हाँ। जैसे कि कृषि विभाग के लिए, भू स्तर के लिए, और चिपको आंदोलन जैसे वृक्ष पर्यावरण के लिए, ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत से आंदोलन दिए। अच्छा, समाज शास्त्री भी होते हैं ना इसमें? यस सर। कितने होते हैं, मतलब कौन कौन से हैं, एक दो का नाम बता दो आप। मैकाइवर एवं पेज। अच्छा। सोरोकिन। किंग्सन डेविस। मैकाले का नाम इतना ज्यादा क्यों हाईलाइट होता है, जिसको पूछो मैकाले सबसे पहले नाम ले लेता है। नहीं, मैकाइवर एवं पेज बोले। अच्छा चलो ठीक है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ केवल वे परिवर्तन है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचों में कार्य करते हैं। हाँ ये देखो बहुत बढ़िया। तो सर सीरीज देखकर लिखने के लिए ले गए थे या फिर पढ़ने के लिए? नहीं, ये बुक नहीं खरीदी थी ना, तो मंगाई थी कि हम पढ़ने के लिए नीति आना। दीदी कमाल कर गई आप, मतलब 5 मिनट में पढ़ के सोशियोलॉजी ने पेपर भी दे दिया और आपने सही आंसर भी किया, मानना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? रवीना चौहान। क्या इंटेलिजेंट है यार, मतलब बहुत बढ़िया। आपके बच्चे बच्चे हैं? नहीं अभी हाल ही में शादी हुआ है। हाल ही में शादी हुआ है। हाँ। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, श्रमिक आंदोलनों के कोई 3 उद्देश्य लिखिए, एक उद्देश्य आप बता दीजिए। श्रमिक आंदोलन का उद्देश्य यह था कि उसके मजदूरी को बढ़ाया जाए कंपनियों द्वारा, क्योंकि उनके मजदूरी मतलब उनकी मजदूरी कंपनियों के मालिकों द्वारा बहुत कम थी। इसके लिए उन्होंने उद्देश्य दिया और आंदोलन शुरू किया कि हमारी मजदूरी को बढ़ाया जाए। अच्छा समाज शास्त्र को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री और इससे जुड़ा हुआ है ना, इतिहास से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने कहा मजदूरी आंदोलन वगैरह, श्रमिक आंदोलन की बात चल रही है, तो मिल मजदूर आंदोलन महात्मा गांधी के समय भी हुआ था 1918 ईस्वी में, उस टाइम महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया हुआ था, है ना? तो ये जुड़ा हुआ है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आता है। और मेरे ख्याल से अगर कोई सोशियोलॉजी कोई बच्चा लेकर पढ़ाई कर रहा है तो उसको सामाजिक ज्ञान तो होता ही है, साथ में हिस्ट्री यानी कि इतिहास, अपने बारे में बीता हुआ जो बीत गया चीज़ें उसके बारे में भी नॉलेज हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है, आपने नाम क्या बताया था? रवीना चौहान जी ने। आपका क्या नाम है? एकता मिश्रा से बुक मंगाई थी सियोर सीरीज का, 5 मिनट पढ़ाई की होंगी, है ना? और पढ़ाई करने के बाद इन्होंने पेपर दिया और बहुत अच्छा पेपर गया, देखो क्वेश्चन पूछा तो आंसर भी बता दी।